डू यू नो दिस थिंग कि फीमेल अब्यूज से ज्यादा केसेस मेल अब्यूज के होते हैं, लेकिन ये फेमिनिस्ट लोग और ये हमारा समाज उनको गलत तरीके से फीमेल अब्यूज बता देता है और लोग चुप बैठते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ईगो। और दूसरी बात कि हमारा जो ये फेमिनिज्म वाला समाज है, फेमिनिस्ट समाज है, समझेगा नहीं इस चीज को। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक मूवी है, रोमांटिक थ्रिलर है, इसका नाम है ये शाली आशिकी। इस साल की नहीं, पिछले साल की मूवी है। और इसमें हाँ लीड रोल में अमरीश पुरी का बेटा है, कमाल की एक्टिंग किया है। तो अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना। पर खैर इसको छोड़ते हैं, हम बात करते हैं मिसेस सीरियल किलर की, जो मैंने आज देखी नेटफ्लिक्स पे, रिलीज मेरे ख्याल से कल हुई थी। हाँ लेकिन उसको मत भूलना, ये शाली आशिकी जरूर देखना। अगर डाउनलोड लिंक नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं दे दूंगा लिंक, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइव में मैंने खुद अपलोड किया हुआ है, आई मीन मैंने नहीं किया हुआ, मेरे फ्रेंड ने किया हुआ है। बट स्टिल बात करते हैं मिसेस सीरियल किलर की। तो यार मिसेस सीरियल किलर एक क्राइम थ्रिलर है। आई वोंट से कि मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी या फिर मूवी अच्छी नहीं है, इट्स गुड, यू कैन वॉच इट, मुझे भी पसंद आई। बट दिक्कतें हैं, काफी सारी दिक्कतें हैं, लेकिन दिक्कतों से पहले हम स्टोरी लाइन की बात करते हैं। सो जैसा कि नाम है सीरियल किलर, सो बेसिकली सीरियल किलिंग क्राइम पे रिलेटेड है, ठीक है। सो द थिंग इज कि इसके लीड रोल में तीन लोग हैं बेसिकली, जैकलिन फर्नांडिस, मनोज वाजपेयी और मोहन रायना। जैकलिन की अगर हम साइड में रख दें तो बाकी दोनों ने जो एक्टिंग और परफॉर्मेंस है वो कमाल की है। मोहन ने और मनोज वाजपेयी तो भाई किलर है, एब्सोल्यूट किलर है, तो उसकी एक्टिंग में तो आप कह ही नहीं सकते। और मूवी में भी किलर का ही रोल पोर्ट्रे कर रहा है। सो द थिंग इज कि मनोज वाजपेयी किलर है। अब उसे फ्रेम किया गया है या रियलिटी है हमें नहीं पता, आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल एनीथिंग आपके लिए, नो स्पॉयलर्स। सो मनोज वाजपेयी पे केस है कि ही इज डूइंग सीरियल किलिंग्स। अब उसको बचाने के लिए जैकलिन फर्नांडिस कोशिश करती है, लॉक सूट फाइल वाइल करती है, दुनिया भर की चीजें होती हैं, पूरा इसी में चल रहा होता है, ठीक है। अब बचाने के लिए होता क्या है कि जैकलिन फर्नांडिस प्रूव्स कि मनोज वाजपेयी इज नॉट द किलर, कोई किलर ऑलरेडी मार्केट में घूम रहा है इसके अरेस्ट होने के बाद भी। सो नाउ शी इज डूइंग द सीरियल किलिंग्स जस्ट टू प्रूव दैट मनोज इज इनोसेंट। अब ये मतलब मेन स्टोरी है, स्पॉइलर नहीं है इसमें कहीं पर भी, आप देखोगे इतना ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। सो स्टोरी इज लाइक दिस। बट अभी हम बात करते हैं, और एक और एंगल ये है कि मोहन रायना इज प्लेइंग अ कॉप जो कि जैकलिन फर्नांडिस का एक्स बॉयफ्रेंड भी रह चुका है। सो प्लॉट थोड़ा सा गड़बड़ी सा लग रहा है, बट स्टिल एनी वे मूवी इज गुड। बट दिक्कतों की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले दिक्कत इसमें ना, मतलब राइटिंग में थोड़ा सी दिक्कतें लगी मुझे, कई कई जगह पे फालतू की चीजें दिखाई गई, कुछ एक्स्ट्रा मतलब जरूर नहीं जरूरत है जिन चीजों का उनको क्यों दिखाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि भाई दिस इज अ थ्रिलर मूवी, क्राइम थ्रिलर है, इसमें कॉमेडी आ रही है बीच बीच में, कई जगह पे आपको हंसी आती है, मुझे हंसी आई, काफी सारे मतलब जोक्स हैं, काफी सारे हैं, तो वो वाला सीन है। देन उसके बाद सबसे डिसअपॉइंटिंग पार्ट जैकलिन फर्नांडिस का, नॉट लाइक कि उसने एक्टिंग बेकार की, शी इज डूइंग गुड, बट यू नो जब आप मनोज वाजपेयी के साथ कम्पीट कर रहे हो, उसके साथ अगेंस्ट मतलब उसके साथ में हो सेम मूवी, तो भाई यू नो कि लेवल में बहुत फर्क देखने को मिलता है जैकलिन फर्नांडिस और मनोज वाजपेयी। बट स्टिल आप ठीक, इट्स ओके कि एक्टिंग में अभी वो नहीं होता। सबसे मेन दिक्कत होती है डायलॉग्स में यार, यू नो कि उसका जो फॉरेन वाला एक्सेंट है वो है, काफी सारे वर्ड्स को जो है हिंदी के जो काफी सारे वर्ड्स है वो नहीं बोल पाती है। सो दैट्स द थिंग। अभी आई एम नॉट सेइंग कि जैकलिन फर्नांडिस इज द ओनली वन, और भी लोग हैं जो नहीं बोल पाते, बट यहाँ पे यू नो मजा किरकिरा हो गया वो वाला चीज। अगर उसने डायलॉग्स प्रॉपरली बोले होते तो थोड़ा मजा आता था, या फिर कुछ फॉरेन वॉरन वाला एंगल दिखा देते कि शी इज नॉट फ्रॉम इंडिया या फॉरेनर है, उसको हिंदी बोलने नहीं आती, ऐसा कुछ एंगल होता तो यू नो कि हम उस चीज को जस्टिफिकेशन दे देते आप। बट नहीं, यहाँ पे नॉर्मल सब चल रहा है और अचानक से शी इज सेइंग अ फ्यू, शी इज स्पीकिंग अ फ्यू वर्ड्स जो कि हिंदी में है एंड शी इज नॉट एबल टू स्पीक देम प्रॉपरली, सो वो थोड़ा सा दिक्कत लगा यू नो। और उसके बाद अदरवाइज तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है, इट्स गुड, आप देख सकते हो डेफिनेटली। या आई एम नॉट रेटिंग इट, मैं रिव्यू भी नहीं कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन कि मूवी अच्छी है नो डाउट, बट ये कुछ दिक्कतें हैं। या आई वुड रिकमेंड डेफिनेटली यू शुड वॉच, अगर आपको थ्रिलर या क्राइम पसंद है तो आप जरूर देखिए, ये अच्छी है और इसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। यस ये जो चार पांच चीज़ें मुझे दिक्कतें लगी, अब आप बताओ आपको कैसी लगी, अगर आपने देखी या नहीं देखी है तो भी बताओ। और जो मूवी मैंने रिकमेंड की थी ये शाली आशिकी, वो जरूर देखना, उसमें अमरीश पुरी का बेटा भी लीड रोल में है एंड इट्स एब्सोल्यूटली बेस्ट। आपको अगर कबीर सिंह पसंद आएगी आपको ये मूवी पसंद आएगी, अगर आपको राजकुमार राव की शादी में जरूर से जरूर आना ऐसी कुछ मूवी आई थी 2-3 साल पहले, अगर वो पसंद आई तो ये जरूर पसंद आएगी। इट्स नॉट लाइक कबीर सिंह, लव स्टोरी नहीं है बट हाँ लव स्टोरी है एक तरीके से, लव स्टोरी, फिर शी डम्स हिम और फिर ही कम्स बैक और बदला बदला लेता है, तो उसके ऊपर है। उसने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया, तो जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी।
अब भैया अगर वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, अगर और वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी, और अगर सब्सक्राइब किया ही है तो बेल आइकन भी दबा देना, यू नो बेल आइकन से होगा ये कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी व्हेनेवर आई अपलोड द नेक्स्ट वीडियो। सो अंटिल देन हैव अ गुड टाइम।